सरकार की ओर से मेलों पर प्रतिबंध खत्म करने का असर अब दिखाई देने लगा है। जहां कोरोना गाइडलाइन के तहत लगाया गया प्रतिबंध खत्म होने के दूसरे ही दिन भूतों के मेले में भीड़ उमड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। चिन्नारदेव विकास खंड से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम तालखमरा गांव में लगने वाला भूतों का सुप्रसिद्ध मेला देवउठनी 11 के बाद प्रारंभ हो जाता है। यहां लोगों की पौराणिक मान्यता है, कोई भी मनोकामना हो या किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा हो, इस मेले में आने से वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ भूत भगाने वाले ओझा मालन देवी की पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों के धुन पर नाचते नजर आते हैं। इस प्रकार का मेला पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी अनूठा है, परंतु प्रशासनिक प्रतिबंध के बाद यह प्रभावित रहा। क्या नाम है आपका और यहाँ भूतों का मेला बोलते हैं तालखमरा? तालखमरा का भूतों का मेला कहा जाता है इसे। मेरा नाम गंगा प्रसाद सिंधुतिया है। मंदिर समिति हम सलाहकार समिति के सदस्य हैं और ये जो मंदिर बना हुआ यहाँ पे आदिकाल से माता मालन माँ का मांस का बीड़ा था। उस बीड़े में पुरातन युग से भगत पंडालों माँ जगत जननी मालन माँ की पूजा पाठ करते आए। इस मालन माता की मान्यता है कि यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जिनको भूत प्रेत बाधा लग जाती है वो दैयर बाबा के पास अपना नहा धोकर और अपने तन मन धन से उनको समर्पित कर देते हैं। दैयर बाबा उनकी प्रेत बाधा दूर कर देते हैं और माँ जगदम्बे का मालन माता का दरबार जो है वो माँ यहाँ पर जो सभी जनता जनार्दन जो है जिनको आल औलाद और संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति का एक मुख्य स्थान है। माँ जगदम्बे के द्वार में आकर जो माताएं बहनें अपना क्षीर बांध देती है, कई वर्षों से जिनको आल औलाद पैदा नहीं होती वो बच्चों का यहाँ पे जन्म हो जाता है, ऐसी माँ जगत जननी की मान्यता है। इस मेले की मुख्य विशेषता कि यहाँ दूर दूर से यानी दो प्रांतों से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पूरी जनता यहाँ यात्रा करने आती है और यहाँ के तालाब में पानी नहाने का महत्व यह है कि यहाँ पर जितने भी चर्म रोग है वो यहाँ के पानी से नहाने से दूर हो जाते हैं और प्रेत बाधा दूर हो जाती है। 2011 से यहाँ पर मंदिर जय मालन माता जन कल्याण मंदिर का यानी समिति बनी हुई है। ये समिति का मुख्य कार्य इस मंदिर जो भव्य रूप दिख रहा है, जनता जनार्दन और ग्रामवासी और आपसी क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ये भव्य मंदिर मालन माता के मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो रहा है और सभी लोगों का इसमें यथायोग सहयोग है। धन्यवाद। वहीं अब कोरोना गाइडलाइन के चलते लगे प्रतिबंध के हटने के बाद मेले में भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जुन्नारदेव।